फ्रेंड अभी जो नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें आपको क्या हुआ, कुछ कोड आपको दिए हुएंगे, हो सकता है सी जावा कोई भी लैंग्वेज में दिया हुआ होगा, और आपको क्या करना होगा ना, उससे आपको पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा और वो ग्राफ से फिर बाद में जो है साइक्लोमेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो और वो जो कोड है आपको प्राइम नंबर का दिया हुआ हो सकता है, या फिर फैक्टोरियल का दिया हुआ हो सकता है, या फिर जीसीडी का, या फिर ग्रेटेस्ट नंबर का, इसमें से किसी भी चीज का आपको कोड दिया हुआ होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे ना, पहले उसके लिए मैं जानता मतलब अभी आपको बताता हूँ कि पहले तो ग्राफ डिजाइन कैसे करते हैं। तो ग्राफ डिजाइन करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अगर इफ एल्स कंडीशन है ना, तो इफ एल्स कंडीशन के लिए नोड हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और अगर ये इफ के लिए, और अगर इफ एल्स है तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं हमारा जो लूप है, और फिर इफ एल्स के बाद अगर वाइल्ड लूप है तो वाइल्ड लूप के लिए जो हम लोग ऐसा, जैसे अगर जो लूप अगर कंप्लीट हो गया, मतलब जब तक लूप चलता रहेगा तो इधर ही रहेगा, एक बार लूप कंप्लीट हो गया तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप जब तक वो है लूप चलता रहेगा और हम लोग को आउटपुट मिलता रहेगा यहां से डायरेक्टली। और फिर बाद में अगर स्विच कंडीशन है ना, तो स्विच के लिए कुछ इस तरीके से आपको नोड जो है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे का जो ग्राफ है ना वो ड्रॉ कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको जो है स्विच के लिए डिजाइन करना, मोस्टली स्विच का नहीं आएगा आपको कोड, मोस्टली इजी के लिए आएगा, तो उसमें आपको वाइल्ड लूप या फॉर लूप, फॉर और वाइल्ड एक जैसे ही होते मोस्टली। तो हम लोग जो पहला फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो कोड आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, मई या दिसंबर के उधर पेपर में पूछा था, और इसमें जो है आपको एक प्राइम नंबर का कोड दिया है, और आपको प्राइम नंबर पे नहीं देखना है बेसिकली, कोई भी कोड अगर आपको आएगा ना तो उसको कैसे करना है, इसके लिए जरूरी नहीं आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, आपको सिर्फ बेसिक इफ कंडीशन और वाइल का नॉलेज है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो सबसे पहला तो रूल हमारा ये है इसमें कि आपको जो है ना जो नोड में है ना, ऐसा हम लोग को पहले तो नोड ड्रॉ करना है, जैसे मैं पहले वाला नोड ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी नोड में जो वैल्यू असाइन किए हुए हैं ना 1 2 3 4, उसको हम लोग को पुट करना होता है। तो नोड में जब तक वैल्यू आपको पुट करते जाना है, जब तक जो है ना कोई भी एक वैल्यू इनिशियलाइज ना किया गया हो, मतलब उसको कोई वैल्यू असाइन ना किया गया होगा, तब तक हम लोग को वो नोड में वैल्यू पुट करते जाना है, या फिर कोई कंडीशन इफ कंडीशन या फिर वाइल लूप ना आया हो। तो यहाँ पे पहला लाइन अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे प्रिंट फंक्शन है, तो वहां तो कुछ हुआ नहीं, तो 1 को हम लोग पहले नोड में डाल देंगे। फिर दूसरा लाइन आप लोग देखोगे तो दूसरे लाइन में भी एक स्कैन फंक्शन है, तो उसमें भी कुछ इनिशियलाइज नहीं किया और कोई कंडीशन नहीं है, तो ये भी हम लोग दूसरे में डाल देंगे। तीसरा वाला अगर आप लोग लाइन चेक करोगे तो वहां पे क्या है, वैल्यू असाइन किया गया है, तो इसको हम लोग थर्ड में डालेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट नोड ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में अगर फोर्थ लाइन में आप लोग देखोगे तो वहां पे क्या है, वाइल्ड लूप है, तो हम लोग को यहाँ पे इसको वाइल्ड लूप कैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में बताया था कि वाइल्ड लूप को कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर अगर आप लोग फिफ्थ लाइन में देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं है, तो फिफ्थ को हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर अगर आप लोग सिक्स लाइन में देखोगे तो सिक्स लाइन में हम लोग क्या है, इफ कंडीशन है, तो हम लोग फिफ्थ और सिक्स को यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको इफ कंडीशन का ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर अगर आप लोग सेवंथ लाइन में देखोगे तो कुछ नहीं है, तो सेवंथ वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर एट लाइन में भी कुछ नहीं है, तो एट भी आ जाएगा। और नाइन्थ में क्या हो रहा है, वो स्टेटमेंट जो है ब्रेक हो रहा है, तो सेवन एट नाइन पे ये खत्म हो जाएगा। फिर बाद में जो है टेंथ पे तो कुछ है नहीं, इलेवेंथ पे इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा है, तो ये इलेवन जो है ना, इलेवन और ट्वेल्व ये साथ में आ जाएगा, क्योंकि वहां तक तो कुछ हो नहीं रहा था। फिर 13 पे क्या है ना, फिर से एक इफ कंडीशन आ गया, तो 13 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर आपको इफ कंडीशन वगैरह आता है ना, तो आपको सीधे नेक्स्ट नोड पे चले जाना, उसी में नहीं लिखना है। और फिर बाद में 13 के बाद 14 में क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो ये 14 हम लोग प्रिंट करेंगे। और 15 में तो क्या हो रहा है, हमारा जो कोड है वो एंड हो जा रहा है। तो ये तो हम लोग ने कर दिया, अभी हम लोग को इसके एजेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसके एजेस कैसे ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ भी लूप वगैरह नहीं था, तो हम लोग सीधा एक स्ट्रेट लाइन का मतलब एक स्ट्रेट एरो का एज ड्रॉ कर देंगे। फिर 4 से 5 आते हुए भी कुछ नहीं था, लेकिन 4 पे तो वाइल्ड लूप था ना, और वाइल्ड लूप आपका जो है खत्म कहाँ पे हो रहा है, तो ये जो है 13 लाइन के आसपास, यहाँ पे 12 लाइन तक पूरा वाइल्ड लूप चल रहा है और उसके बाद वो खत्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो ये वाइल्ड लूप का है ना, 4 का जो है, 4 का जो नोड है उसको हम लोग डायरेक्टली 13 पे अटैच करेंगे, क्योंकि वो 12 लाइन तक उसका लूप जो है वो चल ही रहा है, 13 पे जाके खत्म हुआ। और फिर 12 से क्या हो रहा है, लूप जो है बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एरो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, फिर से वो जब तक लूप के बाहर नहीं जाता तब तक वो बार बार चल ही रहा है। फिर इफ कंडीशन हम लोग देख रहे, तो इफ कंडीशन जब हमारा चेक हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे 6 लाइन में दिखेगा,
तो इफ कंडीशन चेक होने के बाद हम लोग कहां पे चले जा रहे हैं, इफ कंडीशन चेक होने के बाद डायरेक्टली हम लोग 11th लाइन पे जा रहे हैं, इंडेक्स को प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये जो इफ कंडीशन वाला है ना 5-6, इसको आपको 11 से 11 और 12 से अटैच करना है। फिर बाद में हमारा 13 पे एक और इफ कंडीशन चेक हो रहा है, और 13 पे जो इफ कंडीशन चेक हो रहा है वो कहां जा रहा है, तो वो डायरेक्टली जो है पूरा हमारा बाहर ही चले जा रहा है प्रोग्राम के। तो ये 13 हमारा लास्ट में चला जाएगा। और फिर 7, 8, 9 पे यहाँ पे कुछ है के हाँ, यहाँ पे 7, 8, 9 में देखो ना, तो वहां पे जो लूप है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो जैसे ही लूप के ब्रेक होते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा बाहर आ जा रहे हैं ना लूप के, तो 13 पे चले जा रहे हैं। तो 7, 8, 9 वाला जो है वो 13 को अटैच हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको तभी आपको ये सब अच्छे से आएगा। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नोड बनाया। नोड में आपको नंबर कब तक डालते जाना है, जब तक जो है कोई वैल्यू इनिशियलाइज ना हो, मतलब उसको वैल्यू कोई डिक्लेयर नहीं किया गया हो, तब तक आपको जो नोड में है वैल्यू डालते जाना है। एक बार अगर वैल्यू डिक्लेयर हो गई तो आपको वो अगला नोड पे चले जाना है। अगर इफ कंडीशन आ गया ना, तो हम लोग को जैसे यहाँ पे क्या 3 डिक्लेयर हुआ था ना, तो मैंने उसको इसी नोड में लिखा। लेकिन अगर यहाँ पे वाइल लूप या फिर कोई इफ कंडीशन आता ना, तो मैं नेक्स्ट वाले में लिखता। फिर अगले लाइन पे हम लोग क्या हो रहा है, वाइल लूप आ रहा, तो 4 पे मैंने वो बना लिया। फिर 5th में तो कुछ नहीं, और 6th में जो है इफ कंडीशन है, तो मैंने 5th 6th को साथ में लिख दिया। और फिर बाद में 7, 8, 9, ये 9 पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो 7, 8, 9 हमने साथ में लिख दिया। फिर 11 पे कुछ नहीं है, 12 पे कुछ नहीं, और 13 पे हमारा क्या हो रहा है, फिर से एक इफ कंडीशन आ रहा है। फिर 14 कुछ नहीं, 15 कुछ नहीं, और ये जो है एजेस को हम लोग को यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे 13 और 14 को, क्योंकि इसके बीच में कोई लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है ये डी ग्राफ होगा, जो कि आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया था। अब इसी को यूज करके हम लोग साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आप निकालोगे ना, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है वी ऑफ जी, जो कि होता है ई माइनस एन प्लस 2 × P। ई का मतलब जो है ना वो एज है, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, और ये जो पी है ना टोटल कितने जो कोड हम लोग को दिया या फिर ग्राफ हम लोग ने बनाया कितने कॉम्पोनेंट के लिए बनाया है। तो यहाँ पे तो हम लोग ने एक ही कॉम्पोनेंट के लिए बनाया है ना, जैसे कोई अगर फैक्टोरियल का आपको सम दिया होगा तो उसमें आपको 2 कॉम्पोनेंट के लिए होता है, तो वहां पे पी की वैल्यू 2 हो जाती है। तो एज हम लोग पास कितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एज के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कितना हमारा एरो है ना उसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों ने जो जितने भी एजेस कनेक्ट किए हैं ना उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एज की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। फिर आपको नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 नोड है। तो ये हो जाएगा 10 - 8 + 2 × यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, 1 है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट के हमने कोड लिखा है। तो ये होगा 10 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो V ऑफ G का जो वैल्यू आया आपको वो 4 आया। और इसका एक और फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, अगर आप लोग उससे भी कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू 4 ही आएगा। उसमें आपको क्या करना होता है कि बी ऑफ जी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। प्रेडिकेट मतलब जो भी लूप वगैरह या फिर ये वाइल कंडीशन वगैरह चलते हैं ना उसके हिसाब से, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बी ऑफ जी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कहाँ कहाँ पे वो जो है आ रहा है, एक तो आ रहा है हम लोग को बी वाले नोड पे, क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप है। और हाँ, इसको आपको एबीसीडी भी लिखना होता है, ए बी मैं लिखना भूल गया, सी डी ई एफ जी एच। तो एक तो बी वाले पे वाइल लूप है, तो एक बी हो गया, और इसके बाद आपको सी पे इफ कंडीशन है, तो एक सी हो गया, और इसके बाद एक आपको एफ पे जो है वो इफ कंडीशन है, तो एफ हो गया। तो टोटल 3 हो गए, तो 3 + 1 = 4। तो इससे भी आप लोग बी ऑफ जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम लोग क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट पाथ, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने सारे पाथ है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हो, ए से बी, बी से हम लोग डायरेक्टली एफ जा सकते। टोटल पाथ हम लोग को लिखना है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पाथ। तो इंडिपेंडेंट पाथ हमारे पास कितने सारे होंगे तो हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग ए से बी जा सकते हैं, बी से फिर हम लोग डायरेक्टली एफ आ सकते हैं, और एफ से डायरेक्टली एच आ सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा ए बी एफ एच। फिर एक जो दूसरा पाथ पॉसिबल है हमारे पास, ए से हम लोग बी जा सकते हैं, बी से एफ आ सकते हैं, फिर एफ से जी और जी से एच जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए बी एफ जी एच। फिर एक बात हमारे पास कौन सा पॉसिबल है कि हम लोग ए से जो है बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, और यहाँ पे सी से हम लोग को फिर सी से हम लोग डी पे जाएंगे, तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे। सी से डी जा सकते हैं, डी से फिर एफ,
फिर जी एच, तो एक हमारे लिए ए भी हो जाएगा, ए बी सी डी एफ फिर एच, एफ से डायरेक्टली एच भी तो जा सकते हैं ना हम लोग। और एक हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वो हम लोग क्या दिया, ए बी सी ई बी एफ जी एच, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो ए से बी गए, बी से फिर सी, सी के बाद हम लोग डायरेक्टली कहाँ गए, ई पे, ई से वापस बी पे आए, यहां से रिटर्न, बी से फिर एफ पे गए, एफ से जी पे और जी से एच पे। तो ये सारे इंडिपेंडेंट पाथ है जो कि हम लोग यहाँ पे उससे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट जो चीज हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ पे टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए बोला है। तो टेस्ट केस हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग पाथ देखेंगे कि अगर हम लोग अलग अलग पाथ से जाएंगे तो हमारा जो टेस्ट केस में वैल्यू आना चाहिए वो क्या आएगा। सबसे पहले तो इनपुट नंबर हम लोग लेते हैं, इनपुट नंबर 1 2 3 4 ऐसी, फिर बाद में हम लोग को एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिलेगा और यहाँ पे हम लोग अपने पाथ लेते हैं। तो सबसे पहला पाथ क्या है हमारा, ए बी एफ एच। तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो है ए से बी पे गए तो व्हाइल लूप से डायरेक्टली हम लोग बाहर चले गए एफ पे, फिर एफ से एच पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइम नंबर के बारे में कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। फिर बाद में दूसरा हम लोग ने कौन सा पाथ लिया, ए बी एफ जी एच। तो ये देखो अगर आप लोग इस पे जाते हो तो ए से बी पे गए, बी से हम लोग कहाँ गए, सीधे पे एफ पे गए, और एफ से जो है जी पे, फिर जी से जो है हम लोग एच पे, एच पे गए। तो ये जो पूरा जो लूप है, पूरा जो ग्राफ है वो फॉलो हो रहा है, मतलब वो जो प्राइम नंबर होगा तभी यहाँ लास्ट तक आया, तो ये जो है वो प्राइम नंबर होगा। फिर बाद में आपको क्या है, ए बी सी डी एफ एच। तो ये देखोगे तो ए बी, बी से हम लोग सी गए, सी से डी गए, डी से डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया हम लोग एफ पे गए, और एफ से डायरेक्टली एच पे गए। तो ये ऐसा कब होगा, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है फॉल्स होगा इसलिए हम लोग डायरेक्टली बाहर चले गए, तो ये जो है नॉट प्राइम नंबर होगा। तो ये होगा नॉट प्राइम नंबर। और फिर बाद में जो एक और जो हम लोगों ने स्टेप लिया, ए से बी, बी से क्या हुआ सी पे गए, फिर सी से जो है ई पे गए, ई से एफ पे, सॉरी ई से बी पे गए, बी से जो है फिर वापस से एफ पे गए। तो ये जो है पूरा जो हमारा लूप है वो नंबर जो बार बार चेक हो रहा है, चेक हो रहा है, और फिर बाद में हम लोग यहाँ पे पहुंच भी रहे, तो इसके लिए जो ये है प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो मैंने सम कराया वो समझा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप अगर बार बार करते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि नोड को कैसे डिजाइन करते हैं और उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं।